पिछला 24 घंटा में थप 273 जने में कोरोना पुष्टि। प्रदेश 2 में कोरोना से थप 2 जने की मृत्यु। मृतकों की संख्या अछाड़ा पुगल। कलैया के भरत चौक में युवा द्वारा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। मालापुर नगर पालिका डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद के कलैया बर्खास्त। नया नक्शा संसद से सर्वसम्मत अनुमोदन। आज सांसद सरिता गिरी के संशोधन प्रस्ताव सभामुख द्वारा खारिज। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल मासी मेगा हर्ष तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूरालम बादशाह। अब खबर विस्तार में। पिछला 24 घंटे में नेपाल में 273 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से नियमित पत्रकार सम्मेलन में थप 273 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि कैले बाटे। इस संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 5335 पुगल बाटे। नेपाल के 72 जिले में कोरोना संक्रमण फैल चुकल बाटे। जवना मध्य 913 जने अस्पताल से डिस्चार्ज होके घर लौट चुकल। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम बतैनी। प्रदेश 2 में कोरोना वायरस से थप 2 जने के मृत्यु भइले। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनैल बाटे। मंत्रालय के अनुसार परसा में बीतल रात मृत्यु भइले बीमारी से मृतक के लाश आ आज मृत्यु भइल 12 के निजगढ़ के 5 वर्षीय लैका में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। इस संगे प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु होखला के संख्या 3 पुगल बाटे। तब नेपाल में कुल मृत्यु होखला के संख्या 18 पुगल बाटे। प्रदेश 2 में आज 107 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भले बटे। आज 101 जने पुरुष और 6 जने महिला में कोरोना संक्रमण पुष्टि भले बटे। जौना मध्य कम उम्र के 1.5 आ 3 वर्ष के लड़का लड़की समेत रहल बा लोग। आज श्रोताहाट में सबसे ज्यादा 90 जने में पुष्टि भले। प्रदेश 2 के स्वास्थ्य निर्देशालय के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य अधिकृत विजय झा जानकारी दिलवानी। ऐसे ही सरलाई में 11 जने, परसा में 5 जने, महोत्री में 1 जने में कोरोना संक्रमित मिलल। जन स्वास्थ्य अधिकृत विजय झा बतनी। प्रदेश 2 में कुल 437 जने इलाज बाद ठीक भइल बानी। 12 जिला के सदर मुकाम कलगिया में आज सवेरे विभिन्न राजनीतिक दल संबंध युवा सब सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कैले बा लोग। कोरोना वायरस नियंत्रण तथा दवाई उपकरण खरीद में भइल खर्च पारदर्शी होके के RDT परीक्षण रोके के PCR परीक्षण के दायरा बढ़ावे के लगायत के मांग रख के भरत चौक में प्रदर्शन भइल बाटे। कोरोना महामारी में सरकार की गतिविधि के कारण जनता से थप दुख प्राप्त कैल। लॉकडाउन के मार में पड़ल व्यवसायी संघे कर लेवे के खोजल कहत उ लोग विभिन्न नारा लिखल प्ले कार्ड सहित कलैया के भरत चौक में प्रदर्शन कैले बा लोग। प्रदर्शनकारी लोग RDT परीक्षण रोक के PCR परीक्षण के दायरा के बढ़ावे के भी सरकार से मांग कैले बा। लंबा समय से देखल लॉकडाउन के कारण मध्यस्थ के जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आयल देखल गई बाटे। सरकार से लॉकडाउन के हल्का बनावे के निर्णय कैला संगे इति बेरी मध्यस्थ में चहल पहल बढ़ल बाटे। अभी सड़क में गाड़ी सब अनुरी के बेरिया से ज़्यादा चलल बाटे। तो वित्तीय कारोबार होके वाला संस्था सब बैंक सहकारी लगात के जगह में तुलनात्मक रूप में उल्लेखनीय भीड़ भाड़ बढ़ल देखल गई बाटे। और दिन के तुलना में इस समय सवेरे से 12 बजे तक खुले वाला दुकान सब आज सवेरे 5 बजे से ले के खुलल देखल गई बाटे। मध्यस्थ में अभी सैलून, सिनेमा हॉल, जिम खाना, होटल सब संचालन में आयल नहीं है। विभिन्न दुकान सब में संचालक से लेकर ग्राहक तक सभी के मास्क अनिवार्य से लगावल देखल गई बाटे तथा दुकान दुकान में सैनिटाइजर रखल गई बाटे। सरकार से कल निर्णय अनुसार विद्यालय सब अभी पूर्ण रूप में बंद रहल बाटे। अभी कोरोना कहर से प्रदेश 2 में और बढ़त गई तथ्यांक देखल बाटे। यहाँ स्थानीय जनकपुरवासी के कहनाम अनुसार अभी संक्रमण के बढ़े के संभावना रहल बाटे। रौतहट स्थित मालापुर नगर पालिका से डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद के बर्खास्त कल गेल बाटे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पतौरा में कार्यरत डॉक्टर प्रसाद के पदीय मर्यादा विपरीत काम कैले ठहर करत बर्खास्त कल बाटे। करार सेवा में कार्यरत डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद पदीय मर्यादा विपरीत काम कर रहा ठहर भैया पर नगरपालिका से लिखित स्पष्टीकरण के मांग कल गेल रहे, लेकिन डॉक्टर प्रसाद से स्पष्टीकरण के वास्ता न कैल के कारण मौलापुर नगर कार्यपालिका के बैठक के निर्णय अनुसार बर्खास्त कल गई। प्रशासकीय अधिकृत सिकेन्द्र शाह बतैनी। रौतहट 12 के CDO के सक्रियता में मेवा गांव के नजीक के में रहल लंबा समय से 2 जिला के सीमाबद्ध
विवाद समाधान भइल बाटे। द्विपक्षीय सहमति कैला संगे रौतहट के फतुहा विजयपुर तीन मेवा गाँव के द्रुत मार्ग में जोड़े के सड़क में रखल गई कलभट निर्माण होने वाला भइल बाटे। रौतहट के CDO वासुदेव घिमिरे, बारा के CDO रुद्र प्रसाद पंडित, SP कृष्ण पंगन यादव, सकतौल गाँव पालिका प्रमुख मुस्तफा अंसारी, सड़क रिविजन कार्यालय चंद्रपुर के प्रमुख दरोगा शाह सहित के टोली से काल ये बीफे के दोपहरिया विवादित मेवा गाँव के पश्चिमी रास्ता के अंतर्गत निरीक्षण कल गया है, जिनमें विशेष उपस्थिति सिमरनगढ़ नगर पालिका के मेयर विजय शंकर यादव जी के रहल रहे। निरीक्षण बाद सिमरनगढ़ नगर पालिका के सभाकक्ष में लंबा समय से भइल द्विपक्षीय छलफल पश्चात सहमति भइल रहे। बीतल वर्ष भादो महीना में आयल दहार से बारह के आदर्श कोतवाल स्थित रुपौलिया गाँव डुबान में पड़ला बाद मेवा गाँव के नजीक के सड़क काट के पानी के निकास कल गया है। रौतहट आ बारह जोड़े वाला मुख्य सड़क के रूप में रहल मेवा गांव नजीक के रास्ता के समस्या स्थायी समाधान के खातिर संघीय सांसद प्रभु शाह के पहल में भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय से 33 लाख की योजना अनुसार कलभट निर्माण हो रहा। युवा नेता राकेश यादव बतैले बानी। रौतहट में एक दिन 90 जने में कोरोना संक्रमित मिलल बाटे। रौतहट में 90 जने करके प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में 107 जने कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। ऐसे ही लसरलाही में 11 जने, परसा में 5 जने, महोत्री में 1 जने कोरोना संक्रमित मिलल बाटे। थपल 107 जने संक्रमित मध्य 6 जने महिला बा, जेमे कम उम्र के 1.5 आ 3 वर्ष के लड़का लड़की समेत रहल बा लोग। प्रदेश दू में इलाज बाद 437 जने जीत के डिस्चार्ज हो चुकल वरिष्ठ अधिकृत द्वारा जानकारी कराओल गई बा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संबंध विद्यार्थी संगठन से नेपाल विद्यार्थी संघ आज सरकार विरुद्ध कैल प्रदर्शन के क्रम में 6 जने के प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। नेवी संघ परसा आ इकाई कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में भइल प्रदर्शन के क्रम में नेवी संघ के जिला सभापति विकास तिवारी ठाकुर राम, इकाई सभापति मनोज साह, जिला उपाध्यक्ष शेख, सचिव श्याम रमेश यादव, पूर्व प्रदेश सदस्य अभयकर्ण श्याम गुप्ता पकड़ाव करल बानी। कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण में सरकार से प्रभावकारी काम कर ना सकल कहत तीनों तरह के सरकार के विरोध में प्रदर्शन कल गई बाटे। संदीपुर में कल खोजे के प्रदर्शन के क्रम में भइल प्रहरी हस्तक्षेप उचित न भइल नेवी संघ के पदाधिकारी लोग के कहना रहल बा। संघीय सरकार से कोरोना रोकथाम नियंत्रण आ इलाज में भइल खर्च विवरण सार्वजनिक कैले बाटे। जनकपुर सहित संघीय राजधानी काठमांडू पोखरा लगात के जगह में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भले बाद CCMC निर्देशन समिति के निर्णय अनुसार सरकार से खर्च विवरण सार्वजनिक कैल गेल बाटे। 10 अरब खर्च भइल चर्चा चल रहा बेरिया तीनों तह से अभी तक 8,39,11,99,000 रुपया खर्च भले सरकार जनैले बाटे। सरकार से सार्वजनिक कैल विवरण अनुसार सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय से 2,40,24,57,000 रुपया खर्च कैले बा। लिम्पिया धुरा कालापानी अलीपुल क्षेत्र समेट के नेपाल के नया नया राजनीतिक नक्शा के प्रतिनिधि सभा से सर्वसम्मत अनुमोदन कैले बाटे। आज बैठल संसद बैठक से नया नक्शा अनुसार निशान छाप परिवर्तन करे ला लियावल गई संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास कैले बा। बैठक में 258 सांसद उपस्थित रहनी। सभे संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में मत दिले बानी। इस संगे संविधान संशोधन विधेयक 2/3 से ज्यादा मत से पास भइल सभामुख अग्निशाह पोटा घोषणा कनी। सरकार से जेठ 5 गते नया नक्शा पास कैल गई रहे त 7 गते सार्वजनिक कैले रहे। नया नक्शा अनुसार निशान छाप परिवर्तन करे ला 9 गते ही संसद सचिवालय में संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भइल रहे। बादल खबर में अभी खातिर समय भल बटे कुछ व्यापारिक विश्राम के बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 MHz सिमरौनगढ़ 12। अभी दुनिया कोरोना वायरस के महामारी से लड़ रहल बा। ऐसन विपत में सब केहू आपन घर परिवार संगे रहे के सुख दुख बांटे के चाहता लोग। विदेश में गईल हमनी के आपन भाई बहन ई विपत के समय में बहुत लोग घर लौटल बानी त बहुते लोग लौटे के क्रम में बानी। कोरोना लिया के पटा दी कह के विदेश से आयल व्यक्ति के गाँव घर में घुसे ना देवे के, अपने घर में रहे ना देवे के, साथे परिवार से ही घृणा आ गलत व्यवहार के क्रम बढ़ल बा। साथे
महिला हिंसा आत्महत्या के घटना तेजी से बढ़ रहल बा। संक्रमण केहू के भी सकता। विदेश से आयल लोग से गलत व्यवहार करके संक्रमण तो रोकल नहीं जा सकत, लेकिन सामाजिक एकता सद्भाव और भाईचारा जरूर बिगड़ जाए। यही से विदेश से लौटल व्यक्ति से भेदभाव न कर जाओ। सम्मानित ढंग से क्वारंटाइन या एकांत जगह में रहे के प्रेरित कर जाओ। सामाजिक दूरी कायम करे में सहयोग करो। अपन पड़ोसी आ परिवार की पत आ महामारी जात पात देश आ सीवान न चिन्हेला। यही से हमनी सब के कोरोना वायरस महामारी से लड़ल जाओ। पूरा सावधानी अगर रखल जाए तो ई बीमारी होखे के संभावना कम रहेला। मास्क हमेशा पहिरल करी, समय समय पर साबुन पानी से हाथ धोवत रही। दोसर केहू से हमेशा कम से कम 2 गज के दूरी बना के रखी। ई बीमारी से लड़ के ठीक हो गई बानी। घबराई मत, एक दूसरा के हौसला बढ़ाई। कोरोना वायरस से लड़ाई हमनी के जारी रखे के परी। डरा के ना, पूरा सावधानी के साथ। साझा अभियान को कैप न्यू यंग स्टार बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89.5 MHz सिमरौनगढ़ 12। विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बाटे। अब बाकी के खबर। संविधान संशोधन विधेयक ऊपर समाजवादी पार्टी के सांसद सरिता गिरी से राखल गेल संशोधन प्रस्ताव सभामुख से खारिज कलिल बटे। आज बैठक में संशोधन विधेयक ऊपर संवैधानिक छलफल शुरू होखला साथ सांसद गिरी उठल रहनी, लेकिन सभामुख सापकोटा नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल के बोले के समय दिले रहनी। सांसद गिरी उठला बाद सभामुख सापकोटा से संशोधन अस्वीकृत भइल कहत गिरी के समय न देनी। सभामुख सापकोटा से उनकर संशोधन के खुद से अस्वीकृत कैल जानकारी देनी। प्रतिनिधि सभा नियमावली के नियम 112 अनुसार न भइल संशोधन अस्वीकृत कल वहाँ के बतैनी। अपन संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भले बाद सांसद गिरी बैठक से बाहर निकल रहनी। सरकार से लिपियो धुरा काला पानी लिपुलेख क्षेत्र के समेट के जारी कर गई नया नक्शा के निशान छाप में रखेला संविधान संशोधन विधेयक लियाल गई बा। एमे समाजवादी के सांसद गिरी मात्र संशोधन दर्ता करैले रहली। जनता समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र महतो राष्ट्रीयता के परिभाषा नया ढंग से करे के समय आयल बतैल बानी। वहाँ के राष्ट्रघाती या राष्ट्रवादी पहचान करके राष्ट्रघाती के टूड़ी खेल में लटकावे के भी प्रश्न कहनी। संविधान संशोधन विधेयक ऊपर दफावार छलफल में भाग लेते महतो के अनुसार देखते मात्र केहू के मदेशी वा ई भारतीय हुई कह के नस्लवादी कुंठा हटावे ला सभी से आग्रह कहनी। वहाँ के मदेशी से सीमा रक्षा के खातिर भी संघर्ष कैल स्मरण करावत मदेश मदेशी के राष्ट्रीयता के बारे में शंका न करे के आग्रह कहनी। अभी लिम्पिया धुरा काला पानी लिपुलेख सहित समेट के जारी भइल नक्शा के संविधान में समेटेला संशोधन प्रस्ताव लियावल जिक्र करत वहाँ के कहनी 58 वर्ष पहले ई भूमि नेपाल के ही रहे, हमनी के नक्शा में रहे ई भूमि के बेचलक, वहाँ के देश बेचुआ के है कह के पहचान करे के मांग भी कहनी। वहाँ के सरकार के बारे श्वेत पत्र लियावेला भी मांग कहनी। देश बेचुआ के टूड़ी खेल में लटकावे के भी वहाँ के मांग कहनी। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89.5 MHz द्वारा मापन के लिए अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी न्यूनतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस रहा। 22 आज सुबह 33, दोपहर 39 डिग्री सेल्सियस रहा। आज रात में 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे का अनुमान कल गए बाटे। ऐसे ही आज सुबह 5:10 में बेर उगल रहे, साझी आज 6:59 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने, जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में थप 273 जने में कोरोना पुष्टि। प्रदेश 2 में कोरोना से थप 2 जने की मृत्यु। मृत्यु होने की संख्या 18 पुगल। कलैया भरत चौक में युवा द्वारा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। मौलापुर नगर पालिका डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद के कैलक बर्खास्त। नया नक्शा संसद में सर्वसम्मत अनुमोदन। आज सांसद सरिता गिरी के संशोधन प्रस्ताव सभामुख द्वारा खारिज। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89.5 MHz तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमारे पत्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदाई नमस्कार।